है, मैं प्रीति। तो सुबह से बारिश हो रही थी झमाझम एकदम बहुत तेज, तो अभी थोड़ा सा हल्का सा रुकी है बारिश। तो मैं सोच रही क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, और वही देखे तो हल्का सा छोटा है पानी, लेकिन बहुत मज़ा आया सुबह से ही पानी। तो बारिश में कुछ चटपटा खाने का मन कर गया हम लोग का, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं ना सत्तू पराठा और बैगन का भरता बनाए। तो मेरा फ्रिज में एक बैगन एक ही था, टमाटर है दो तीन, लेकिन टमाटर एक ही डालेंगे, वैसे खट्टा अच्छा नहीं लगता, हरी मिर्च ले ली है। तो आज सत्तू पराठा बनाएंगे और बैगन और टमाटर का भरता चोखा जिसे बोलते हैं, उसके लिए मैं धनिया पत्ता लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, और इधर है सत्तू पराठा के लिए है लहसुन है, प्याज है, अदरक है, नींबू है। तो मैं किस तरह से सत्तू पराठा बनाती हूँ वो आप लोगों को शेयर करेंगे, और इधर मैं भरता में भी नींबू दूंगी। तो ये सब तैयार करके रख रहे हैं, तैयार हो गया सत्तू पराठा का, सत्तू पराठा का अदरक लहसुन और प्याज तैयार हो गया है। अब मैं बैगन भरता का तैयारी कर रही हूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो मैंने इसे चार कट कर दिए हैं, देख लिए कीड़ा वगैरह है कि नहीं, तो वो साफ है। इसके बाद अब इसमें हम लहसुन डाल दे रहे हैं, इसका भरता बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से हम लोग बारिश का मज़ा लेते हैं, लुक उठाते हैं, सत्तू पराठा, बैगन भरता, और बहुत मज़ा आता है। आज सुबह से हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश सुबह से ही, कपड़ा सूखने में थोड़ा सा बट दिक्कत हो गया था, कपड़ा सूखा नहीं ठीक से, उसको हम रख दिए अलग से। इसमें हम मिर्ची भी भर दिए हैं, ठीक है, कट धनिया पत्ता वगैरह काटेंगे। इधर हम बैगन को चढ़ा दिए हैं भूनने के लिए। तो मैं इधर प्याज कट कर रही हूँ ये बैगन चोखा भरता के लिए, और फिर मेरा हो गया सत्तू पराठा के लिए मेरा हो गया है, अब मैं चोखा के लिए कर रही हूँ। नींबू भी है, इधर धनिया पत्ता भी कट कर लेती हूँ। तो बारिश के मौसम में थोड़ा हम लोग खाने का आदत है, बढ़िया बढ़िया खाएं, ऐसे तो डेली हमेशा ही खाते हैं, लेकिन पानी पड़ने से कुछ अलग ही मन करता है खाने का। तो ये बना रहे सत्तू पराठा, और सेवई भी बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोग को किस तरह बनाती हूँ। इधर देखिए बैगन और टमाटर मेरा अच्छी तरह से भुन गई है, लहसुन प्याज जो होता है सारा, लहसुन और हरी मिर्च और प्याज यहाँ पर कट किए हुए हैं, और हरी धनिया और हरी मिर्च। अब मैं देखिए सोना सोना लगेगा, इसको हम हल्का हल्का कट कर दे रहे हैं, बहुत टेस्टी लगता है इसे। तो इस तरह इस टाइप से बनाइएगा भरता तो बहुत अच्छा लगेगा। ये लहसुन काट रहे हैं, ये लहसुन को हल्का कट कर, इसका ना ये लहसुन का जो हम भुना किए ना इसका तो अलग ही टेस्ट आता है, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप एक बार बनाकर मेरे तरीका से देखें, और मेरा पेज को भी फॉलो कर ले, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज़, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग से। अब ये बैगन को जो हम छीले, टमाटर छील लिए हैं, तो हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं, कभी बनाए हैं क्योंकि कम ही खाते हैं ये लोग। ये देखिए मेरा हो गया बैगन छील लिए हैं, ये धुआं कितना सुंदर बैगन में निकल रहा है, अब बाहर में एकदम झमझमाट बारिश से, एकदम इतना मज़ा आ रहा है ना। अब इसे मैं एक चम्मच सरसों का तेल एकदम डाल दिए। अब इसको हम टमाटर, बैगन, सरसों का तेल और ये नमक हम डाल रहे हैं, तो इसको साथ हम इस सारा मैश कर दे रहे हैं, पूरा मैश करेंगे। उसके बाद हम देंगे ये नींबू, जो हाथ से मैश करेंगे वो चम्मच में टेस्ट नहीं आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ से भी मैश कर दे रही हूँ। तो ये मेरा ये देखिए मेरा बनकर तैयार हो गया बैगन टमाटर का भरता, जो सत्तू पराठा साथ हम लोग डिनर में करेंगे। तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत सुंदर होता है, तो ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। जिन्हें भी खाना है वो चले आए, कोई रुकावट नहीं है, आप लोग आ सकते हैं।
बैगन भरता रहे, ये क्या बोलते हैं, टमाटर का भरता बनाते बनाते चाय का टाइम भी हो गया था, तो हम लोग चाय बना लिए हैं पीने के लिए। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद फिर सत्तू पराठा बनाएंगे, उसके बाद सेवई भी बनाना है, तो ये बहुत सारा काम बाकी, तो तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। टी टाइम, आप लोग भी चाय पी लीजिए फटाफट, हम लोग भी पी लेते हैं, आप लोग पी लीजिए। पीने के बाद सही बना रहे हैं, सत्तू पराठा चोखा के साथ जो है वो मीठा, वो बना बंद है यार, बंद है। गरम कर लिए हैं अब सेवई, हम ये सेवई जो है हम इसे डाल रहे हैं, इसे हम हल्का हल्का भून ले रहे हैं घी में, इसे घी में फ्राई करने के बाद अभी दूध में डाल देंगे। तो इसमें देखिए मेरा कलर आ गया है, तो मैं भी चाय बनाई पी, सबको लोग चाय दिए, और मेरे हस्बैंड भी चाय पिए, मेरे हस्बैंड एकदम थोड़ा सा चाय पीता है, इसमें कलर आ गया, कितना सुंदर सा सुनहरा कलर आया है, बहुत खुशबू भी आ रहा है, एकदम घी का फ्लेवर आ रहा है इसमें, एकदम बहुत अच्छा सा सेंट आ रहा है, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इधर मेरा दूध जो है पूरा खोल चुका था, तो अब मैं इसको और थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सेवई डाल दूँ। तो इधर मेरा दूध खोल चुका है, तब इसमें हम अब सेवई डाल दे रहे हैं, सेवई लाल लाल हम हल्का सा किए थे, मेरा खोल रहा है, एकदम खोल रहा है सेवई। तो ये जो सेवई जो हम बनाए हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को और बेटा को बहुत ही पसंद है, सत्तू पराठा के साथ उन लोग को बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, खीर या सेवई। तो मैं ये जब भी सत्तू पराठा बनाती हूँ तो ये खीर सेवई व खीर हम जरूर बनाते हैं, तो आज हम बोले ये सेवई बना दो। इधर हम हल्की आंच में सेवई को पकने दे रहे हैं, इधर हम सत्तू पराठा की तैयारी कर लेते हैं। मैं सत्तू पराठा कैसे बनाती हूँ वो आपको सिखाती हूँ। इसको तेल दे दी हूँ फ्राई पैन में, तो सरसों का तेल हम दे चुके हैं इसमें। तो मैं सत्तू पराठा किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग किस तरह से बनाते हो और मैं किस तरह से बनाती हूँ ये दिखाती हूँ। तो मैं पहले ये अजमा ये मंगरे क्या बोलते हैं मंगरेला मंगरेला दे दिए हैं, हिंदी बोलने बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और ये है जवाइन, और ये है प्याज अदरक रसून। तो ये चटकने के बाद ये हम डाल दे रहे हैं। इधर मेरा प्याज भुन गया है, और भी हल्का सा भुन लेते हैं। इसके बाद मैं नींबू डालूंगी इसमें, सत्तू डालूंगी, ऐसा भुनने के बाद उसके बाद हम बनाएंगे सत्तू का पराठा। नमक डाल रही हूँ, तो मेरा इतना ही नमक लगेगा। अब मैं इसमें सत्तू डाल रही हूँ, तो मैं सत्तू को भून कर बनाती हूँ, इतना टेस्टी लगता है ना वाकई में, आप एक बार बना कर इस तरह खाएं तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा कि वाकई में। मैं नमक तो पहले से दे चुकी थी प्याज में, तो अब इसको हम भून रहे हैं, एकदम हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद उतार देंगे इसको ठंडा होने तक। उसके बाद अब मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ, अचार का मसाला भी होगा तो आप दे सकते हैं। तो मैं हल्के में नींबू दे रही हूँ, इधर मैं नींबू दे रही हूँ हल्का सा। तो हम इसमें सेवई मेरा इधर मैं फिर सेवई में आ गई, तो सेवई मेरा तैयार हो गया है, तो मैं चीनी दे रही हूँ इसमें, तो जो जैसा मीठा खाते हैं वो चीनी डाल दे। तो मैं इसमें पिस्ता वगैरह नहीं दी हूँ, काजू का चाहते हैं और हस्बैंड भी नहीं पसंद करते हैं, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं दी हूँ, सिंपल मैं बनाई हूँ, तो इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं, सिंपल तरीके से बनाए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इन लोग को, तो मना कर दिया हमको देने के लिए, इसलिए हम नहीं डाले हैं। आप लोग डालिएगा पिस्ता काजू किशमिश जो भी आता आपके पास है वो डालिएगा। तो ये मेरा तैयार हो गया सेवई, बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में भी खाने में भी। तो हम उधर सत्तू को ठंडा करने के लिए, भुना हुआ सत्तू को ठंडा करने के छोड़ दिए हैं, इधर हम आटा भी गूंद लेते हैं। तो आटा में हम डाले हैं आटा लिए हैं हम तीन कप जैसा आटा लिए हैं, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं, और थोड़ा सा नमक। आटा गूंदने के बाद गरम गरम हम लोग बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो जो मेरा पेज को फॉलो कर रहे हैं नहीं किए हैं वो फॉलो कर ले, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। तो जो नहीं किए वो कर दें,
मैं डेली बड़े बड़े रेसिपी लाऊंगी, गाने भी गाऊंगी और मजाक मस्ती भी करूंगी, फिर घूमने भी कहीं जाऊंगी तो आप लोगों को साथ में लेकर जाऊंगी। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें मेरा, नहीं इस तरह बनती है, नहीं इस तरह बनती है, आप लोग थोड़ा कॉमेंट्स से बताओ हमें। ये देखिए मेरा आटा गूंथकर तैयार हो गया, देखिए मेरा आटा गूंथकर तैयार हो गया। तो अब मैं सत्तू पराठा का तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है, मेरा हर तरह रोज का थाली कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट करके आप लोग नहीं बता रहे हैं, जो मैं सुधारूँ जिसे। हाँ, ये ठंडा होने के बाद इसको हम डाल रहे हैं, इसको हम ठंडा हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा हल्का हाथ से मैश कर दे रहे हैं, इसका टेस्ट कुछ और ही आता है। हाथ का छुआ बोलता है ना हम लोग का बंगाली में, हाथ ते छुआ खूब भालो है रानना, तो उसी तरह का हम। अब देखिए मैं इसे इस तरह करके भर रही हूँ सत्तू पराठा में। तो मैं एक दिन बनाऊँगी आप लोग का फिश पूड़ी, जो होता है हम लोग लूची बोलते हैं, तो फिश पूड़ी कैसे बनता है वो हम आप लोग सिखाएंगे। मछली डालकर पूड़ी बनाएंगे, एक दिन मटन का कीमा डालकर, चिकन का कीमा डालकर पराठा बनाएंगे, वो सब सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आस्ते आस्ते। अभी मैं व्यस्त है, अभी बाहर बारिश भी हो रही है, तो बारिश में बारिश का आवाज़ भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। रात में ही बारिश होता है तो अच्छा लगता है, दिन में अच्छा नहीं लगता है। दिन में इतना कपड़ा भी धोए थे लेकिन सूखा भी नहीं कपड़ा को। तो ये मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको बेल देती हूँ, अब मैं इसको बेलूँगी। आप लोग किस तरह से बनाते हैं सत्तू पराठा है मुझे बताएं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसको हम हल्के से बेल रहे हैं ताकि सारा मसाला बाहर नहीं आ जाए। तो देखिए मैं इस तरह करके एक एक करके भून रही हूँ, तो बहुत सुंदर कलर आ गया इसमें, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। आप लोग भी बनाएं एक बार मेरे तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ये ट्रेन में भी आप ले जा सकते हैं बनाकर नाश्ते में, ख़राब नहीं होगा एक दिन तक। ये देखिए कितना सा सुनहरा कलर आ गया इसमें, मैं इसी तरह एक एक कर कर बना रही हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया आज का डिनर, बारिश का मौसम देखते हुए। तो ये सत्तू पराठा मेरा, और ये बैगन टमाटर का भरता, और ये मेरा सेवई। तो आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा खाने का, आप लोग भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए, तो मैंने बारिश के मौसम को देखते हुए आज का मतलब हम लोग डिनर जो बनाए हैं, तो ये सत्तू पराठा, ये बैगन का चोखा, आलू टमाटर का चोखा, और ये सेवई। तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बारिश पहाड़ में बारिश हो रही है और अंदर में हम लोग ये बना रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग भी बनाए, सिर्फ पानी पड़ने से, मौसम बारिश होने से, ये सब बनाकर खाएं, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।